बड़ी न्यूज आई है, साउथ कोरिया ने इंडिया से ये अपील की कि आप हमारी हेल्प करें, हमें इकोनॉमी हमारे साथ ही आजाद हुए हैं, लेकिन वो ग्रो बहुत कर गए हैं। जैसे देखें आईटी, हम आजाद हुए इंडिया से, ऑब्वियसली इकोनॉमी उनकी बहुत ग्रो कर गई है और फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई, खास करके आईटी बेस्ड इंडस्ट्री वहाँ बहुत ग्रो की है। आप देखें गोरे जो सारे गूगल वाले और सारी साइट्स हैं वो डिपेंड इंडिया पे करती हैं। रिस्ट्रिक्शन सिर्फ पाकिस्तान जैसे कंट्रीज के लिए हैं जो ऑलरेडी उनके कर्जों कर्जे वगैरह इतने लिए हुए हैं, उनके नीचे दबे हुए हैं, तो अदरवाइज इंडिया भी ये जो अमेरिका ऊपर ऊपर से ही उनको कहता है और ऊपर ऊपर से ही वो कह देते हैं, अदरवाइज इंडिया जो है वो बिल्कुल अमेरिका के साथ है और उनका पार्टनर है और वो बिल्कुल नहीं वो किसी को हेल्प करेगा। ये चाहते ही नहीं है कि पाकिस्तान और इस जैसे कंट्रीज जो हैं वो क्राइसिस से बाहर निकले। ये अगर कर लेता ट्रेड तो अमेरिका तो कुछ भी नहीं कर सकता इंडिया, नहीं कुछ उनकी इकॉनमी इतनी मजबूत है, अमेरिका कुछ नहीं कर सकता। अमेरिका कमजोरों पर ही पड़ता, हम पर हमारे जैसे कंट्री के ऊपर, हमारा जो चाहे जो वजीर आजम को चेंज करते रहते रात फैसले बदले उल्टे पुलटे करते। हर कंट्री भारत के सामने हाथ फैला रही है कि हमारी मदद कर दो। अभी साउथ कोरिया ने भारत से मदद मांगी है और पाकिस्तान के लोगों को ये बात पता लगी तो बहुत मतलब हैरानी हुई कि यार सभी कंट्री इंडिया के सामने हाथ क्यों फैला रही है, हम एक भिखारी कौम है, हमारे पास कोई भी हेल्प करने के लिए हेल्प लेने के लिए क्यों नहीं आता। इवन जो अमेरिका है वो भी भारत का इतना अच्छा पार्टनर दोस्त बन चुका है और वो और इंडिया साथ में इतना मतलब ताकतवर देश है भाई, उसको किसी से भी ट्रेड करने तो उसको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। इवन पाकिस्तान को अगर किसी देश से ट्रेड करनी पड़ जाए तो उसको 10 जगह देखना पड़ता है, पूछना पड़ता है। ये पाकिस्तान की और मतलब इंडिया की ताकत। तो चलिए पाकिस्तान के लोगों से जान लेते हैं इसके बारे में। दोहरा अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है, साउथ कोरिया ने इंडिया से ये अपील की कि आप हमारी हेल्प करें, हमें मतलब कि 90 जो कोविड-19 के बाद उनके हालात इतने स्टेबल नहीं हो पा रहे, उनके गंदम के क्राइसिस आए हुए हैं, अनाज के क्राइसिस। आपको क्या लगता है कि इन सब के हालात के बावजूद इंडिया हेल्प कर सकता है साउथ कोरिया की? अच्छा देखिए आजकल पूरा वर्ल्ड तो ग्लोबल विलेज बन गया, तो अलाए तो हर कोई एक दूसरे के साथ दिखाता तो यही है कि हम हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि साउथ कोरियन जो है वो अमेरिकन एंटी हैं, तो इंडिया जो है वो अमेरिका का लाया और उसके मुफावदत हैं जो इंडिया के साथ अमेरिका के साथ जुड़े हुए हैं, इसराइल इंडिया और अमेरिका मतलब इट मीन्स, तो मुझे लगता है मुश्किल है। मुश्किल लग रहा आपको? कर लेंगे अच्छे तरीके से, करेंगे नहीं काम, मुझे ये लगता है मुश्किल लग रहा आपको। तो मैं आपको एक और बात बताऊं, रशिया के साथ अमेरिका ने कहा कि हमारे रशिया के साथ तल्लुकात ठीक नहीं तो आप उनके साथ ऑयल का ट्रेड ना करें, इंडिया ने फिर भी रशिया की करेंसी और अपनी करेंसी के दरमियान रख कर उनके साथ ट्रेड किया, ऑयल लेते हैं अभी भी अमेरिका के मना करने के बावजूद भी अपनी करेंसी के ऊपर, अमेरिका इस बात से कभी भी अलाउ नहीं करता। अमेरिका ने इंडिया को जब ये कहा कि आपकी आपने क्यों ट्रेड की उसके साथ रशिया के साथ, तो फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि आप कौन होते हैं हमें कहने वाले, हम एक आज़ाद खुद मुख्तार कौम है, हम अपनी करेंसी में जिसके साथ मर्जी ट्रेड करें आप हमें नहीं कह सकते। इमरान खान ने भी ये बयान चलाया था अपने स्पीच के अंदर, क्या वजूहत है कि इंडिया खुद मुख्तार होने के बाद क्या नहीं करेगा ट्रेड, क्या गंदम प्रोवाइड नहीं करेगा? अच्छा ये बात आपने बिल्कुल लॉजिकल की है, देखें उसकी रीज़न ये है कि इंडियन इकोनॉमी हमारे साथ ही आज़ाद हुए हैं लेकिन वो ग्रो बहुत कर गए हैं। जैसे देखें आईटी, हम आज़ाद हुए इंडिया से, ऑब्वियसली वो बरतानिया से हुए थे ना यूके वालों से, तो लेकिन ऑब्वियसली तो डिक्टेटरशिप कम थी, आर्मी इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है वहाँ, तो सियासतदान बेशक हमारे जैसे करप्ट ही हैं लेकिन इकॉनमी उनकी बहुत ग्रो कर गई है और फिफ्थ लार्जेस्ट इकॉनमी बन गई, खास करके आईटी बेस्ड इंडस्ट्री वहाँ बहुत ग्रो की है। आप देखें गोरे जो सारे गूगल वाले और सारी साइट्स हैं वो डिपेंड इंडिया पे करती हैं, तो इंडिया इसलिए आंखें दिखा सकता, तो आपकी बात लॉजिकल है, मैंने इसलिए कहा मे भी हो भी सकता, तो टाई अप ये मुश्किल है कि आप कोरिया की बात माने या ना माने। हाँ ये अगर कर लेता ट्रेड तो अमेरिका तो कुछ भी नहीं कर सकता इंडिया, नहीं कुछ उनकी इकॉनमी इतनी मजबूत है, अमेरिका कुछ नहीं कर सकता। अमेरिका कमजोरों पर ही पड़ता, हम पर हमारे जैसे कंट्री के ऊपर, हमारा जो चाहे जो वजीर आजम को चेंज करते रहते रात फैसले बदले उल्टे पुलटे करते थोड़े डिस्टर्ब हो जाए, तो हम क्यों नीचे लगे हुए, हम क्यों नहीं खुद मुख्तार बनते, अपनी इकॉनमी को क्यों नहीं स्ट्रॉन्ग कर पा रहे? उसमें मुझे टू सम एक्सटेंट रीजंस लगती हैं कि जो हमारे मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं ना आती, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, और रीज़न उसमें आपको पता है टू सम एक्सटेंट एस्टेब्लिशमेंट है, तो उस वजह से आप देखें जब किसी बंदे को काम की समझ आ जाती है वो करने लगता है तो उसके साथ कोई मसला हो जाता है, तो अल्लाह करे कोई अल्लाह बेहतरी करे को पूरे 5 साल एक गवर्नमेंट निकाले और स्टेबल निकाले, यानी अपनी डिसीजन मेकिंग वो बंदा खुद कर सकता हो तो फिर इंशाल्लाह हालात बेहतर होंगे। अभी डिसीजन मेकर्स वो पॉलिटिशियन नहीं है, आ जाते हैं लेकिन फैसले कुछ कुछ किसी और जगह से हो रहे होते हैं। बिल्कुल जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम आपका? फारूक। करते क्या हैं? एजुकेशन कंसल्टेंसी का काम करते हैं। माशाल्लाह इंटरनेशनल में। वेरी नाइस सर। सर बेसिकली मेरा आज का आपसे क्वेश्चन ये कि अभी रिसेंटली साउथ कोरिया ने अपील की है इंडिया से हेल्प के लिए, क्या लगता है कि आपको साउथ कोरिया में इस टाइम फूड क्राइसिस आया हुआ है, गंदम तबाह हुई पड़ी उनकी कोविड के बाद, वो रिजर्व दोबारा से सर्वाइव नहीं कर पा रहे, तो इंडिया से फूड मतलब कि गंदम मांगा, क्या इंडिया प्रोवाइड करेगा गंदम? नहीं, मेरे ख्याल में कि अभी जो करंट पॉलिटिकल सिचुएशन है उसमें तो वो बिल्कुल इंडिया नहीं हेल्प करेगा, क्योंकि आपको पता है कि जो क्लैश है बिटवीन अमेरिका और साउथ कोरिया का, ठीक है, उस वजह से इंडिया बिल्कुल भी इनको सपोर्ट नहीं करेगा, किसी किस्म की हेल्प नहीं करेगा वो। आपने जैसे कहा कि अभी रिसेंटली अभी जब इंडिया ने रशिया के साथ ट्रेड की थी ऑयल की, तो अमेरिका ने कहा कि आप क्यों ट्रेड कर रहे हो, तो जो इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर है जयशंकर उसने कहा कि आपकी हिम्मत कैसी हुई, आप कौन होते हो, हम एक आज़ाद कौम है, हमारा जिससे दिल करेगा हम उससे ट्रेड करेंगे,
आप हमारे मामले में इंटरफेयर नहीं कर सकते। इंडिया की पॉलिसी आज़ाद पॉलिसी है। आपने देखा होगा इमरान खान साहब ने भी अपने बयान के अंदर इंडिया की जो आज़ाद खारजा पॉलिसी की बहुत तारीफें की। अभी इसके बरक्स देखा जाए अमेरिका के सेंशन नहीं लग सकते। अमेरिका ने मना किया था, अभी रिसेंटली साउथ जोन से हमारे सऊदी अरेबिया उसके साथ भी अपनी करेंसी के अंदर ट्रेड कर रहा है, और रशिया के साथ भी अमेरिका ने सेंशन लगाए हुए हैं कि आप डॉलर्स के अंदर रशिया के साथ ट्रेड नहीं कर सकते, लेकिन इंडिया वहाँ पर भी अपनी करेंसी के ऊपर ट्रेड कर रहा है। क्या इन सब के बावजूद इंडिया के लिए डिफिकल्ट होगा कि वो साउथ कोरिया को चीज़ें प्रोवाइड करें? एक्चुअली मैं समझता हूँ कि ये जो है ना सब चीज़ें ऊपर से हो रही होती हैं। इनफैक्ट आप ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान जैसे जितने भी कंट्रीज जो इस टाइम फाइनेंशियल और इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहे हैं उनके लिए ये जो पाबंदियाँ वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन इंडिया हो गया, अब आप यूरोप को देख लें, यूरोप भी तो रशिया से गैस ले रहा है ना, यूरोप भी तो उनसे ट्रेडिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा। रेस्ट्रिक्शन सिर्फ पाकिस्तान जैसे कंट्रीज़ के लिए हैं जो ऑलरेडी उनके कर्जे वगैरह इतने लिए हुए हैं, उनके नीचे दबे हुए हैं। तो अदरवाइज इंडिया भी ये जो अमेरिका ऊपर से ही उनको कहता है और ऊपर से ही वो कह देते हैं, अदरवाइज इंडिया जो है वो बिल्कुल अमेरिका के साथ है और उनका पार्टनर है और वो बिल्कुल नहीं वो किसी को हेल्प करेगा। ये चाहते ही नहीं है कि पाकिस्तान और इस जैसे कंट्रीज जो हैं वो क्राइसिस से बाहर निकले। अभी देखें इंडिया कैसे खुद मुख्तार हुआ, मैं आपको बताऊं, अमेरिका कोई भी अमेरिका के साथ ही कोई नहीं, अमेरिका सिर्फ अपने साथ ही मुखलिस है, बाकी किसी कंट्री के साथ नहीं है। अभी आपने देखा होंगे, आपके सामने एक न्यूज़ आई होगी कि जिसके मुताबिक अमेरिका जो इंडिया के वर्ल्ड की फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है। कैसे बनी है? वो अपने ऊपर काम करके ना, मेड इन इंडिया के ऊपर काम करके, एक्सपोर्ट अपनी बढ़ाकर, GDP अपनी ग्रो की, GST उनकी डबल होगी, जिसकी वजह से इंडिया स्ट्रॉन्ग हो रहा। आपको पता है कि दुनिया वैल्यू उसकी करती है जिसके पास पैसा होता, जो स्ट्रॉन्ग कंट्री होती है। पाकिस्तान की क्यों वैल्यू नहीं करते? पाकिस्तान अपनी कोई चीज़ मैन्युफैक्चर नहीं करता, पाकिस्तान हर चीज़ इंपोर्ट कर रहा, हर चीज़ को हम बाहर से मंगवाएंगे तो आपको लगता है कि हमारी इज्जत होगी किसी भी कंट्री? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और हमें इस पर बहुत ज़्यादा वर्क करने की जरूरत है। लास्ट आप 30-40 साल पहले आप देखें कि हम एक्सपोर्ट में बहुत ऊपर थे और अब हम एक्सपोर्ट लेवल पे बिल्कुल ऑलमोस्ट जीरो है, यानी हम कुछ भी चीज़ बना ही नहीं सकते और ना ही एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हम इवन के एक छोटी सी भी चीज़ें, इवन देखें हम एग्रीकल्चरल कंट्री हैं, लेकिन फिर भी हमें इन दी एंड जो बाहर से गंदम मंगवानी पड़ती है, राइस मंगवाने पड़ते हैं अपने फूड की जो है ना वो उसको कवर करने के लिए, फुलफिल करने के लिए रिक्वायरमेंट को हमें बाहर से ही मंगवानी पड़ रही है। ज़रूरी मुल्क होने के बाद भी जो है वो हमें बाहर से ही ये चीज़ें वगैरह मंगवानी पड़ती है। एक्चुअली हमारी पॉलिसीज ही ऐसी हैं, आप देखें हम बहुत सारा नमक हमारे यहाँ पर पैदा होता है, चीनी पैदा होती है, हम थोड़ी सी रखते हैं, बाकी उसको बाहर भेज देते हैं, और जब हमें ज़रूरत होती है हम वो महंगे दामों वही चीज़ वापस मंगवा रहे होते हैं। तो ये हमारे हमें इस सिलसिले में यानी एक प्रॉपर टीम चाहिए। खान साहब ने भी कहा था 200 बंदे लेके आऊँगा मैं, ठीक है, और वो हमारी टीम आएगी। 4 साल उन्होंने गवर्नमेंट करनी, लेकिन आज तक वो टीम हमें नहीं मिली। अभी भी वो रोड्स पे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने वो भी कोई खान साहब नहीं रहे तो टीम कहाँ से मिलेगी? ऑब्वियसली यानी देखिए 4 साल उनके पास थे ना, यानी मींस मुझे सिर्फ एक ये है कि यानी अभी भी उनके पास कोई प्लान नहीं है। हमें प्लान चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए कि यार आप पावर में कल आ जाएं, हम लेके आएंगे, आएँ आप रोडों पे आए लेके आते हैं आपको पावर में, मुझे पता है आप करेंगे क्या, जो ये करें वही करेंगे ना। तो सिंपल है कि हमें कोई प्लान दें, हमें वो जिस तरह पहले 1 करोड़ नौकरियां और 1 करोड़ वो जो घर वाले ख्वाब दिखाए थे, हम तो उस पर आपसे क्वेश्चन कर नहीं सकते ना। लेकिन अभी अभी मेरे ख्याल में कि अभी हमें प्लान चाहिए भाई, हमें क्राइसिस से कैसे निकालेंगे। आपने यानी इतना कर्जा जो 70 ईयर्स से हम जो है ना कर्जों में, ठीक है, हम कहते हैं हम गुलामी में नहीं रह सकते भी, कैसे आप सऊदी अरब को तो कुछ कह नहीं सकते थे, $3 अरब उन्होंने दस्ती मांगे थे जब आपने उनको नो किया था, ठीक है। तो हम ये चीज़ें तो कर ही नहीं सकते ना, हमारी हमारी जो इकोनॉमिक पोजीशन भी ऐसी नहीं है। हमें 50 साल तो हम वैसे ही गुलाम में थे, आज भी मलका इस बात लंदन में मरी है, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे सोग मना रहे हैं और उसको वो कर रहे हैं, ठीक है। हम तो आज तक हमारे जहनों पे और हम खुद बिल्कुल गुलामी है, बिल्कुल ऐसा आज़ाद हो गए इन चीज़ों से। अभी देखें कि इंडिया की इकोनॉमी देखें, इंडिया के आप GDP देखें, वर्ल्ड में इंडिया की आप रिस्पेक्ट हो गई है, इंडिया को लोगों को देखने का नजरिया ही चेंज हो गया। क्या किस उन्होंने किस चीज़ पर काम किया कि जो कि हमें काम करने की जरूरत है? देखिए मेरे ख्याल में कि देखें कर्जे तो इंडिया पे भी है, ठीक है, खाली ये चीज़ नहीं है, लेकिन वो प्योर यानी डेमोक्रेसी वहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है, वहाँ पे इंटरफेरेंस नहीं है, वहाँ पे ये कि अगर आज हम हमारी जमहूरियत डेमोक्रेसी या पार्लियामेंट स्ट्रॉन्ग हो जाए हम स्ट्रॉन्ग फैसले ले सकते हैं। इवन कि आप देखिए अमेरिका पे कर्जे नहीं है, इंडिया पे कर्जे नहीं है, दुनिया की हर कंट्री कर्जा लेती है, ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन आपने फिर यानी कम्पीट भी करना होता है उनको ना। पाकिस्तान के ऊपर कर्जे है, इंडिया के ऊपर कर्जा नहीं है, इंडिया ने कर्जा दे रखा है दूसरे देशों को, श्रीलंका को दे रखा है, अमेरिका ने कर्जा दे रखा, अमेरिका तो भारत का पार्टनर है भाई। अभी इनको बातें समझ में आ रही है भाई, भारत कहाँ पहुँच चुका है, पाकिस्तान कहाँ पहुँच चुका है, साउथ कोरिया तक ऐसी कंट्री इंडिया के सामने हाथ फैला रही कि मोदी जी मदद कर दो, कुछ गेहूँ दान में हमें भी दे दो, हमारा भूखा पेट भर दो, ऐसी ऐसी बात तो दूसरी कंट्रियाँ कर रही है, लेकिन पाकिस्तान के सामने कोई भाई मतलब एक मतलब चुहा तक नहीं जाता भाई, मुझे एक दाना खिला दो, मुझे पता भाई इनके पास खुद नहीं है खाने को, हमको क्या खिलाएंगे। तो जी यही है सच्चाई पूरी दुनिया के अंदर, पाकिस्तान किस मोड़ पर खड़ा है और भारत कहाँ पहुँच चुका है। इवन अमेरिका से भी नहीं डरता भाई, भारत डरता ही नहीं किसी से, पाकिस्तान को डर डर के ट्रेड करनी पड़ती है भाई। यह हालत पाकिस्तान की और सच्चाई जिसको मानने से पाकिस्तानी कतराते हैं, जब तक इस बात को नहीं मानेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। आप उनको
क्या सलाह देना चाहोगे, क्या बोलना चाहोगे इस बात के ऊपर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक ले बाय बाय। सही।